subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. Assalamualaikum. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का होम्योस्टेसिस. इसको सिर्फ हम चैप्टर नंबर 11th क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि अपने बाकी जितने भी बायोलॉजी की बुक्स हैं या फिर बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं. उसका हम आज टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स और होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स, और हमने होम्योस्टेसिस की कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी. होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन के बारे में हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद जो नेक्स्ट उसका प्रोसेस जो मतलब इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन हमारा होम्योस्टेसिस में, दैट इज़ लंग्स. और लंग्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने चैप्टर नंबर 10 में, नेम्ड एज गैशियस एक्सचेंज. उसकी वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपना ऑर्गन स्टार्ट करें हैं किडनी. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, आप अपनी बुक से टैली कर लें, 11.3 के नेम से है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे. दिस इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ किडनी. ठीक है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वाटर यूरिया एंड अदर जितने भी उनके मतलब होते हैं. ठीक है, किडनी हो गया सबसे पहले. एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज. और इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है. ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज थी जिसको मैंने डिस्कस कर लिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को बता दिया. इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बोथ आर सिनोनिम्स. ठीक है, एक के बारे में बात हो रही है. अब अगर हम यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस का डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है किडनी. ठीक है, किडनी आपको इधर स्ट्रक्चर में दिखाई जा रही है, दो लूप्स शेप्स होती हैं. ठीक है, थोड़ी एक स्लाइटली जो होती है अपर साइड पे होती है, थोड़ी लोअर होती है. ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. इसका फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना. ठीक है, ब्लड में से जितने भी हमारे यूरिन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और भी जो हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं है, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, वो सारे ब्लड में से फिल्टर आउट करके नेक्स्ट यूरिटर तक भेज दिए जाते हैं. ठीक है, यूरिटर क्या है, यूरिटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है किडनी को ब्लैडर के साथ. ठीक है, यूरेटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, कैरी करना होता है किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, एज इट कनेक्ट्स बोथ. ये भी हो गया. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लैडर. ठीक है, ब्लैडर जो होता है दैट इज़ आफ्टर यूरेटर. इसका फंक्शन क्या होता है, हमारा जो यूरिन फॉर्म हो गया होता है इसको स्टोर करना, एंड व्हेन देयर इज़ अर्ज इसको रिलीज़ कर देना आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, थ्रू द यूरेथ्रा. ठीक है, यूरेथ्रा एक ऐसी होती है, यूरिनरी ब्लैडर के बाहर से एक ट्यूब होती है जिसके ज़रिए से जो हमारा यूरिन होता है वो आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द ब्लैडर. ठीक है, दीज फोर स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द यूरिन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. फर्स्ट वन किडनी, सेकेंड वन यूरिटर, थर्ड वन ब्लैडर, एंड फोर्थ वन इज यूरेथ्रा. नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि जो मैंने अभी बात पहले बताई है, यूरिनरी सिस्टम में जो जो चीज़ें स्टोर फंक्शन कर रही हैं उसको एक फ्लो चार्ट में देख लें, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ यूरिन इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, या फिर आपको आ सकता है किडनी से यूरिन फॉर्म होके या ब्लड फिल्टर होके नेक्स्ट हमारी बॉडी से रिलीज्ड आउट कैसे हो जाता है. ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको इस तरह फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर लें. नेक्स्ट अगर किडनी है तो किडनी कैसे प्रोड्यूस करेगी यूरिन को. ठीक है, किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है, कैसे करती है ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट किडनी से यूरिन प्रोड्यूस होकर यूरेटर में चला जाता है. ठीक है, यूरेटर मैंने पहले जैसे कि बताया इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डैट कनेक्ट किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे कि ये कनेक्शन बना रहा है, ये यहाँ से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा ब्लैडर में. ठीक है, ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारा यूरिन, हमारा जितना भी वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन दैट इन्वॉल्व्स यूरिन यूरिया या फिर यूरिक एसिड जो भी है. और ये इसका यूरिनरी ब्लैडर का एक फंक्शन ये भी है कि ये एक्सक्रीट कर देता है विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा, और क्या करता है कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है. अगर स्टोरेज की ज़रूरत है तो स्टोर हो जाएगा, अगर फ़ौरन से रिलीज आउट होना है तो रिलीज हो जाएगा.
अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें किडनी की, तो सबसे पहले किडनी की कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स आप अपनी बुक से टैली कर लें। 11.31 के नेम से ये पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, यहाँ पे किडनी की थोड़ी सी इमेज दिखाई गई है। किडनी की होती है डार्क रेड शेप की होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बीन शेप्ड होती है, जैसे फलियाँ होती हैं उस तरह की होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी अगर हम लेंथ देखें 5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी डायमीटर कह लें या वाइडनेस कह लें, ये 5 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी थिकनेस देखें तो ये 4 सेंटीमीटर है। इसका वेट 27 ग्राम्स है और ये 12 रिब्स होती हैं इसके आउटर साइड पे। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है, एज किडनी इज़ अ ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इजीली डैमेज हो सकते हैं। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट किडनी। ठीक है, आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आपको आ जाए डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आपको आ जाए तब भी आप लोग यही लिखेंगे। इसके अलावा आपको MCQs में बहुत ज़्यादा ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लेंथ कितनी है, वाइड कितनी है, थिकनेस कितनी है, या वेट वगैरह कितना है। अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ अबडोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम ऑन द इधर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। क्या होता है कि अगेंस्ट द बैक वॉल प्रेजेंट होती है अबडोमिनल कैविटी में, बिलो डायफ्राम डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है, और जो एक होती है वो वर्टिबल कॉलम को फेस कर रही होती है। ठीक है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम देखें तो कनकेव साइड ऑफ जो किडनी की होती है वो वर्टिबल कॉलम को फेस कर रही होती है, और जो एक उसका होता है जैसे कि मैंने पहले बताया वो डायफ्राम के नीचे होती है और हमारी वर्टिबल कॉलम को फेस कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है अराइज होती है हीलस के नाम से है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ हीलर डिप्रेशन नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया। ठीक है, ये हीलस दिखाई गई है, इसका फंक्शन क्या होता है, एरिया थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी। ठीक है, किडनी में से यूरेटर ने या सारा जितना भी हमारे पास ब्लड है वो फिल्टर होके जब किडनी को लीव करेगा, दैट वुड बी थ्रू द हीलस। ठीक है, डिप्रेशन होती है मतलब एक ये आपको डिप्रेशन टाइप नज़र आ रही है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व इंटर एंड लीव। ठीक है, किडनी में जितनी भी ब्लड वेसल्स इंटर हो रही हैं, ठीक है, वो आर्टरी हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, या फिर कोई भी वेसल्स हैं, या फिर जितने भी नर्व्स हैं, ठीक है, जितने भी मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या फिर मोटर न्यूरॉन्स, जिसने भी इंटर होना है वो हीलस के ज़रिए से होगा। ठीक है, हीलस की आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ हीलस, या फिर आपको पूछा जा सकता है डिफाइन द फंक्शन ऑफ हीलस। ठीक है, तो तब आप ये सब एक्सप्लेन करेंगे। रेनल सेक्शन होता है किडनी का, जो कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के MCAT के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट भी जितने भी फंक्शन होंगे किडनी के, उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किडनी के लिए जहाँ पे भी वर्ड रेनल का आ जाए, इट इज़ RENAL रेनल, तो इसका मतलब होगा किडनी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है रेनल मेडुला, ठीक है, और रेनल पायरामिड्स, ठीक है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल पेल्विस, ये सारे जहाँ पे भी रेनल का वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि ये जो आर्टरी जिसकी बात हो रही है वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, रेनल इज़ ऑल अबाउट किडनी। अब अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी क्या होती है, आउटर रेड डार्क रेड होती है, जो रेनल कॉर्टेक्स होती है। अब अगर हम रेनल कॉर्टेक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, तो जैसे मैंने अभी बताया आउटर होती है डार्क रेड होती है, सेम ऐसे ही रेनल मेडुला जो है इनर है और ये पेल रेड कलर की है। इनर मेडुला क्या होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑरेंज शेप में दिखाई गई है कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको सराउंड किया हुआ है रेनल आर्टरी ने, दैट वन इज़ रेड इन कलर, एंड रेनल वेन दैट वाज इन ब्लू इन कलर। ठीक है, रेनल मेडुला होते हैं, और इसके बाद ये फनल शेप्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि फनल शेप, हम रेनल पायरामिड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेनल मेडुला क्या होता है, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसने इन सबको अंदर अपने रखा हुआ है, ये कहने दैट एक्ट लाइक अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, उसको हम रेनल मेडुला बोलेंगे। अब ये जो ऑरेंज शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिक कैविटी होती है जो कि हमारी बना रही होती है, यूरेटर फॉर्म कर रही होती है, दैट इज़ रेनल पायरामिड्स। ठीक है, ये सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे एक रेनल पेल्विस बना रहे हैं, जो कि लीड कर रहा है यूरेटर को।
ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूँ, रेनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी, दैट वन इज़ रेड डार्क इन कलर। उसके बाद है रेनल मेडुला, इनर पार्ट है जो कि पेल रेड कलर का होता है। उसके बाद रेनल मेडुला जो होता है उसमें कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम रेनल पायरामिड्स कहते हैं। ठीक है, रेनल मेडुला हैव रेनल पायरामिड्स एंड रेनल पायरामिड्स आर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट एंड अप इन रेनल पेल्विस दैट लीड्स टू यूरिट्रा। ठीक है, यूरिट्रा होता है जिसने किडनी को किडनी से बाद में सारा का सारा यूरिन जो होता है वो ब्लैडर तक ट्रांसफ़र कर देना होता है। ठीक है, शेप हो गई इसकी। नेक्स्ट अब हम देखें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन जो हमें रेनल पायरामिड्स नज़र आ रहे थे उसका जो स्ट्रक्चर, मतलब आप कह लें उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और किडनी का जो मेन फंक्शनल पार्ट है दैट इज़ नेफ्रॉन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसके अलावा नेफ्रॉन के बहुत, मतलब मेन जो फंक्शनल पार्ट है किडनी में वो नेफ्रॉन ही है। ओवर 1 मिलियन इन ईच, ठीक है, हर किडनी में 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है रेनल कैप्सूल एंड द सेकेंड वन इज़ रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रेनल कैप्सूल जो है नाम से पता चल रहा है, इट मस्ट बी इन कैप्सूल शेप। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ट्यूब्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज के एक नेटवर्क होता है जो इसको सराउंड किए हुए होता है, और इसके अलावा ये क्या होता है, कप शेप होता है, जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है। और ये कप शेप होता है, इसने अपने अंदर किया होता है स्टोर ग्लोमेरुलस को। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये रेनल कैप्सूल है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है रेड सी कलर की, इट इज़ ग्लोमेरुलस। अब अगर हम रेनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट आफ्टर वुमेन कैप्सूल। ठीक है, वुमेन कैप्सूल के बाद रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती हैं। रेनल ट्यूब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर वुमेन कैप्सूल। फर्स्ट पोर्शन में इसके आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ठीक है, ये वुमेन कैप्सूल है। इसके बाद ये जो कॉन्वोल्यूशन ट्यूब्स हैं इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ठीक है, जो कि राइट आफ्टर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले। ये यू शेप जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज़ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको डिवाइड किया गया है। डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, असेंडिंग जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम नेम से हमें कन्फर्म हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही लूप ऑफ हेनले एंड होता है, हमारे पास आ जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ठीक है, जो कि हमें लीड करेंगे नेक्स्ट हमारे यूरेटर की तरफ। ठीक है, लेके जा रही है, और कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसने नेक्स्ट क्या करना है, सारा का सारा फंक्शन जो हमारा पीछे किडनी में हो गया है, जो भी हमारी प्रोडक्ट आई है यूरिन के फॉर्म में, उसको स्टोर कर लेना है या फिर उसको कलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट यूरेटर में भेज देना है। मैं दोबारा से बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स हैं, देन लूप ऑफ हेनले है, नेम से मेंशन कर देते हैं 1, 2 एंड द थर्ड वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन में डिटेल में इसका फंक्शन और इसके जितना भी वर्क है वो सारा डिस्कस करेंगे, बिकॉज नेफ्रॉन इज़ द पार्ट वेयर किडनी फंक्शन जो होता है वो पूरा का पूरा परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, इसके 2 बता दिए। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।